को मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यारा प्यारा सलाम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ, चिकन कचौरी। ठीक है, आज मैं आपको चिकन कचौरी बनाना सिखाऊंगी। चिकन कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो की ज़रूरत होती है। तो डो को बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन से चार अज्जा की ज़रूरत है, जिसमें है 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून नमक या हसबे जायका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड हसबे ज़रूरत वाटर। ठीक है, और उसके बाद जो है ये तो हमारा डो होगा। उसके बाद जो है बाकी का जो पेस्ट होगा उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उसके लिए हमें बोनलेस चिकन लिया है मैंने, चिली सॉस, सोया सॉस, मैदा लिया है मैंने अलग से, थोड़ा सा लिया है, और मिसालों में जो है लाल मिर्च 1 1.5 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, काला नमक, हसबे जायका थोड़ा सा आप जायके के लिए डाल सकते हैं, और आमचूर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। अब हम अपनी डो तैयार करते हैं। इसमें हमने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल, थोड़ा सा हम रख लेंगे जो हमें बाद में ज़रूरत पड़े होगी, 1 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून याद रहे इसमें कोई गिल्टी ना बने, और ज़्यादा हार्ड भी ना हो, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम अपना बाकी का जो स्टफिंग वगैरह है वो हम तैयार कर देंगे। हम आ जाते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे। मैंने एक यहाँ पे प्याज ली है छोटी सी, उसको बारीक बारीक काट ली है, उसको हल्का सा बिल्कुल ब्राउन करेंगे। तो ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया, इसमें हम बारीक रेशे वाली चिकन डाल रहे हैं। सारे मसाले जो थे ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे चिली सॉस, ये हमारा जो है वो मिक्सचर कम्प्लीटली होने वाला है। तो ये हमारा मिक्सचर आ गया, अब हम इसको इसके अंदर भर लेंगे। ये जो हमने मैदे की हमने बना के रखे हैं, इस तरह के इस तरीके से करके सारा कट कर देंगे। ठीक है, आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपने बनाई और क्या रिज़ल्ट आया। ठीक है, अब हम अपने ऑयल को रख देंगे फ्लेम पे। हमने अपना ऑयल रखा है, अब इसमें हम वन बाय वन करके ये डालते जाएंगे। हल्के हल्के से ब्राउन हो गए, साइड चेंज करेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी कचौरी आपके सामने। रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है और कम वक्त में तैयार हो जाती है। और इस रेसिपी को बनाकर अपने घर वालों का दिल भी जीत सकते हैं। चलें जी, देख रहे हैं, बस इस तरीके देखें, बिल्कुल क्रिस्पी है, कहीं से भी ऐसे सॉफ्ट नहीं है। इसको हम अपने इसमें डिश कर लेंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको डिश आउट करके और अपने आप आगे सर्व कर सकते हैं मेहमानों के आगे। रमज़ान में भी इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।